नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश, आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा अगर बिहार विधानसभा से एग्ज़ाम दे रहे हो तो। दोस्तों चलते हैं, आज कुछ खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, वो अभी विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछेगा ही, क्योंकि इस एग्ज़ाम का नाम ही है बिहार विधानसभा। तो बिहार विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा, तो आपको हम वह कुछ खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को दिखाते जाएंगे, तो आप जो है देखते चल जाना, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपके पास हमारे चैनल जब हम वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों हम आपके स्क्रीन पर वीडियो देखिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, तो जो भी वीडियो होगा आप उसको देख पाएंगे, वो भी जल्द ही। तो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, राज्य की जनता को प्रतिनिधि सभा किसे कहा जाता है? तो विधानसभा को कहा जाता है। राज्य की जनता का प्रतिनिधि किसे कहा, प्रतिनिधि सभा किसे कहा जाता है? तो विधानसभा की जनता, विधानसभा को, ठीक है दोस्तों। विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन था विधानसभा में अधिक से अधिक, तो दोस्तों इसमें कम से कम, तो दोस्तों कम से कम जो है 60 हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य होने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम जो है 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो विधायक कहा जाता है, ठीक है, विधायक, MLA, ठीक है दोस्तों। विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? MLA, विधायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदान द्वारा प्रत्यक्ष ढंग से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है, ठीक है दोस्तों। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के बैठक की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने वाले पदाधिकारी को क्या कहा जाता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के बैठक को स्थापित कौन करता है? तो कौन करता है? विधानसभा का सभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा का बैठक कौन करता है दोस्तों? विधानसभा का सभा अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष को गैर हाजिरी में उसके दायित्व का निर्वाह कौन करता है? तो विधानसभा का उपाध्यक्ष करता है, ठीक है दोस्तों। विधानसभा अध्यक्ष को गैर हाजिरी का उसके दायित्व का निर्वाह कौन करता है? तो विधानसभा का उपाध्यक्ष करता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो विधानसभा के सदस्य आपस एक अध्यक्ष का चुनाव करता है, ठीक है दोस्तों। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो विधानसभा के सदस्य आपस में एक अध्यक्ष का चुनाव करता है, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा का उपाध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है? तो वह जो होता है, विधानसभा के सदस्य आपस में मिलकर उपाध्यक्ष का चुनाव करता है, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद विधानसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है दोस्तों? तो किसे देता है? विधानसभा के अध्यक्ष को देता है, ठीक। तो 13वां नंबर हो गया, और 14वां नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है दोस्तों कानून बनाना। विधानसभा का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कितनी संख्या है? दोस्तों बिहार में जो है 324, और बिहार विभाजन के बाद जो है 243 हो गया, ठीक है दोस्तों। पहले जो था जब 324 था, अब बिहार जब विभाजन हुआ 2004 में, तो उस समय के बाद जो जो हो गया है 243, तो झारखंड जब था तो इसमें जो 324 था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए बिहार विधानसभा में कितने स्थान सुरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए बिहार विधानसभा में कितने स्थान सुरक्षित है? तो 48 को, ठीक है दोस्तों, 48।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान सुरक्षित है? तो बिहार में जो है दोस्तों 28 है, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप नहीं है दोस्तों, 17 क्वेश्चन था आप, इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लेना दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही पावरफुल होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें, तो अगर अच्छा लगा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय दें, और अगर कोई भी दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। थैंक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।